नमस्कार साथियों, आज हम देखेंगे रेलवे CBT 1 जो कि रेलवे JEE के लिए होने वाला है उसकी कुछ इन्फॉर्मेशन आज हम चेक करेंगे। तो सबसे पहले तो एक कंफ्यूजन जो बना हुआ है लोगों में कि सभी का इंटीमेशन सिटी के लिए नहीं आया है, तो वो क्यों नहीं आया वो मैं सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि देखिए यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि सिटी इन्फॉर्मेशन इज़ अवेलेबल फॉर दोज कैंडिडेट्स हु हैव देयर पेपर ऑन 22nd of May। जिनका 22 मई को पेपर है वो उन्हीं का इंटीमेशन आया है। जैसे जी आप डेली बेसिस पर चेक कीजिए, जिस दिन आपका रहेगा उस दिन आपका इंटीमेशन डेट और सिटी पता लग जाएगा। जैसे कि मैंने अभी अपना डाला था, अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ डाला था, तो इस तरह से आ गया यहाँ पर, योर एग्ज़ाम इंटीमेशन विल बी इंटीमेट टू यू शॉर्टली। मतलब मेरा 22 को पेपर नहीं है। तो इसके लिए अगर आपका इंटीमेशन नहीं आया है तो कोई परेशानी की ज़रूरत नहीं। दूसरा बात मैं ये बताना चाहता हूँ कि रेलवे NTPC का जो एग्ज़ाम है उसका जो CBT 1 है वो इसके CBT 1 के बाद, JEE के CBT 1 के 15 दिन के बाद स्टार्ट हो जाएगा। तो उसके लिए भी आप लोग तैयारी कर दीजिए, क्योंकि सिलेबस दोनों का एक जैसा है, पैटर्न दोनों के एग्ज़ाम का एक जैसा है, डिफ़िकल्टी लेवल दोनों का अलग अलग रहने वाला है, NTPC टफ होने वाला है। तो बाकी बेस्ट ऑफ लक सबको एग्ज़ाम के लिए। कोई भी जानकारी चाहिए सरकारी नौकरी के नोटिफिकेशन, एग्ज़ाम, सिलेबस, कट ऑफ, बुक्स, कुछ भी जानकारी चाहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम लगातार सरकारी नौकरियों पर नज़र रखते हैं और उनके बारे में इन्फॉर्म आपको हम करते रहेंगे। थैंक यू।